जमाने में सरपंच जीते हैं गुरतंग जी, उनका आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले सरपंच साहब बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई हो जिन्होंने मुझे वोट दिया, वोट दे के मैं इस मुकाम पे पहुँचाया, और जिन्होंने मेरे को सहयोग किया और सहयोग नहीं किया, उनको सबको बहुत बहुत बधाई। तो सरपंच साहब पहले तो ये बताइए कि आप पहली बार मैदान में उतरे हैं या उससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा आपने? पहले भी चुनाव लड़ा हूँ, दो बार प्रयास किया था और तीसरी बार में मुझे सफलता मिली सर। इसके अलावा कोई सामाजिक संगठन में ऐसा कुछ कोई काम किया आपने पहले कभी? समाज की सेवा करता आया हूँ, जब से हूँ तब से समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ। निस्वार्थ भाव से सेवा की और उसका आज फल है कि आप इस पद पे बैठे हो, सरपंच पद पे आप मतलब चरकनी ग्राम पंचायत में आप जीते। कितने वोटों से जीते सर? 203 वोटों से जीता हूँ मैं। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जनता को देना चाहूँगा। आगे आपके क्या मुद्दे रहेंगे समझा? जैसे पेयजल के लिए ग्राम पंचायत में कई समस्या होती है, जैसे शिक्षा है, पेयजल है, ग्राम के बेरोजगार युवा है, उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? विशेष तो हमारे यहाँ एक पुराना केला पानी गांव है, पांडव गांव केला पानी है, उसका विकास नहीं हुआ, वो पहला मुद्दा वो रहेगा। उसके बाद में दूसरा पेयजल का, जो तालाब का पानी व्यर्थ बह के जा रहा है उसको पूरा रोकने की प्रयास करेंगे, और वो सिंचाई के लिए पंचायत में वो पानी उपलब्ध करवाने के पूरा प्रयास करेंगे। ग्राम के किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विशेष प्रबंध करेंगे? विशेष प्रबंध करेंगे, और साथ ही पेयजल की ज्यादा पानी की समस्या है उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे, और वो भी सुविधा मतलब समस्या से मुक्त करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सरपंच साहब, ग्राम के जो युवा है, युवा बेरोजगार है, उनके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? युवा जैसा चाहते हैं और उनको कोई जानकारी नॉलेज नहीं है कि हम आगे क्या करें, बेरोजगार शिक्षित है लेकिन उनको वास्तव में आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में पूरा हम कौन कोई रास्ता ऐसा बताएंगे कि वो गवर्नमेंट नौकरी से हट के कोई प्राइवेट जॉब में जाके शामिल हो और वो रोजगारित हो। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चरकनी के नवनिर्वाचित सरपंच हुरतिंग मुनिया ने RPD न्यूज की टीम को बताया कि सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास करवाना ही मुख्य उद्देश्य रहेगा। सरपंच हुरतिंग मुनिया ने बताया कि लोग सरपंच बनने के बाद आम जनता की मूलभूत समस्याओं को भूल जाते हैं, लेकिन मेरे कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा। ग्राम पंचायत की जनता के लिए CC सड़कें, किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना व बालक बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना, साथ ही आदर्श ग्राम पंचायत घोषित करवाना हमारा लक्ष्य रहेगा। बांसवाड़ा जिले से बीरबल कड़वा के साथ कैमरामैन KR नाइक की रिपोर्ट।